हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैं अपने खाने के लिए भुट्टे लाई थी। गर्मी का टाइम है, भुट्टे का ज़्यादा सीज़न है, तो मैं भूनने के लिए लाई थी इसको। लेकिन इसके दाने मैंने चख के देखे, ये बहुत मीठे दाने हैं, इसलिए मैं इसकी एक नई रेसिपी बना रही हूँ। खीर तो सबने खाई होगी, स्वीट कॉर्न की। मैं आपको आइसक्रीम बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ऐसे तोड़ लीजिए, बहुत मुश्किल से टूटेंगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, आपको देर लग जाएगी। इसलिए ये देखिए, एक छुरी लीजिए, छुरी की मदद से इसको ऐसे छील लीजिए। ये देखिए, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत अच्छी इसकी आइसक्रीम बनेगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, मैंने दो थे मेरे पास, वैसे मैंने जो मीठे दाने नहीं थे वो तो मैंने भून के खा लिए थे भुट्टे, और जो मीठे दाने वाले थे वो मैंने इसके लिए रख दिए। ये देखिए, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको दोनों को निकाल लिया, ज़्यादा नहीं लगाया इसमें, बस दो ही है। ज़्यादा इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है, घर की चीज़ों से ही बन रहा है ये। ये देखिए, मैंने इसको सब तोड़ के निकाल दिए, इसको मैंने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। देखिए, सारा मैंने इसमें डाल दिया, इसको दरदरा पीस लिया है। मेहमान भी आ जाए तो उनको आप आइसक्रीम खिलाइए, इस टाइम गर्मी बहुत पड़ रही है, बच्चे बार बार आइसक्रीम मांगते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसका ढक्कन लगा के दरदरा, थोड़ा सा दूध डालना है इसमें, दूध का यूज़ करना, पानी का बिल्कुल यूज़ मत करना, बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए, मैंने पीस लिया है इसको, मैंने इसको कढ़ाई में चढ़ा दिया है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, पका के बनाएंगे। आइसक्रीम वैसे ही बन जाती है, लेकिन हम इसको पकाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल दीजिए। कम से कम आधा किलो दूध डलेगा इसमें, आधा किलो, एक किलो, जैसा भी आप डालना चाहेंगे, लेकिन कम कम डालना, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जल्दी गाढ़ा हो जाता है ना ये। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को एक बार आप चख लें, कोई तो मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। ये देखिए, अरारोट लिया मैंने एक चम्मच, और मैंने, मेरे पास मिल्क पाउडर था, ये पैकेट रखे हुए थे, काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हो रहा था, मैंने सोचा आज चलो इसमें यूज़ कर लूँ। वैसे आप इसमें, ये देखिए, दूध डालिए। वैसे आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी थोड़ा गाढ़ापन आता है। ये मिक्स कर लीजिए, ठंडे दूध में मिला दीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसको चलाते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। ये पकने के बाद बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। और ड्राई फ्रूट मैंने, देखिए, चिरौंजी है, ये किशमिश मैंने धो के इसमें डाल दी है। कुछ जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में वो डाल दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, जो नहीं है वो उसको बाज़ार से मंगाए, मेरे पास ही घर में रखे हुए थे। ये पिस्ता है, छोटा छोटा काट लिए, काजू है, थोड़ा थोड़ा मैंने बचा लिया सब चीज़ गार्निश के लिए। बस मैंने किशमिश सारी डाल दी। ये देखिए, बादाम है, ये कच्चा गोला है, ये मैंने इसको घिस लिया था। ये देखिए, अरारोट, और मैंने जो कॉर्नफ्लोर था वो उसको डाल दिया, दोनों चीज़ों को। अब चीनी चख लीजिए, इस टाइम आपको फीकी लगे तो डाल दे, और लास्ट बार में ये दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा और पका लीजिए। जितना पकेगा उतना इसका टेस्ट अच्छा बनेगा, सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा। ये ज़रूर बना के देखें मेरे तरीके से, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने गैस बंद कर दिया, ठंडा कर लिया इसको, इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लिया। मेरे पास ये पड़े हुए थे, ये मार्केट से लाई थी, अच्छे लगते हैं, बच्चे थोड़ा इसको शौक से खाते हैं इसमें। ये देखिए, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं किसी भी मार्केट से, छोटे बच्चे हैं ना, इसको बहुत अच्छी समझ के खाते हैं, वो छोटे बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है ना। ये देखिए, मैंने गार्निश कर लिया थोड़ा थोड़ा इसको। ये देखिए, रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लिया इसको, और इसको डाल दिया। अब मैं रात भर फ्रिज में रखूँगा, आप अगर दो तीन घंटे भी रखेंगे तो जम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, मैंने एक और जार ले लिया, बड़ा वाला, जो मैं ज़्यादा जो बचा हुआ है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत कम कम आया है, थोड़ा थोड़ा। मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मैंने एक और जार ले लिया, मैंने चॉकलेट मंगाई थी उसका बचा हुआ था ये जार, ये सब संभाल के रख लेती हूँ। इसको मैंने गार्निश कर लिया, बादाम से, काजू से, गोले से, ये सारा बचा हुआ मैं इसमें डाल देती हूँ आइसक्रीम का बैटर। ये देखिए, ये इतना ही थिक रखिए, ये डालने के बाद हम इसको फ्रिज में जमा देंगे। मुझे एक दिन बाद यूज़ करना था, इसलिए मैंने एक दिन तक पूरा रखा है, रात में बनाई थी और सुबह इसको निकाला है। आप दो तीन घंटे में भी जम जाता है अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने सारा ऊपर से भी गार्निश कर दिया, नीचे से भी। जब आप इसको निकालेंगे तो दोनों तरफ से अच्छे लगेगा। सारा लास्ट में पिस्ता डाल दिया। ज़रूर बना के देखें, और अब बताइए कमेंट करके मैं और कौन सी चीज़ बनाऊँ। आप मेरे कमेंट का कोई जवाब ही नहीं देते, आप ना कोई लाइक करते हैं ठीक से, थोड़ा हमसे भी प्यार कीजिए। ये देखिए, मैंने इसको निकाला है, और बहुत ईजिली तरीके से ही निकलती है। थोड़ा सी देर बाहर रख दीजिए, क्योंकि रात भर थी ना ये रखी हुई, देखो थोड़ा मुश्किल से निकल रहा है। अब दो मिनट और बाहर रख देते ना, ये आराम से निकल जाती। गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकली है, बच्चे बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से। ये देखिए,
मेरे घर में मेहमान आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। ये देखिए अब मैं इसको भी निकालूंगी, एक थाली लेऊंगी, इसको मैं इसको पलट दूंगी ऐसे करके और थोड़ा सा टैप टैप कर दूंगी। ये देखिए ये इजी से निकल जाता है। देखिए इसको काट दूंगी, थोड़ा टाइट कटेगा क्यों गर्मी इतनी है, अभी 10 मिनट बाद ही बिल्कुल घुल जाएगी, इसलिए मैंने हाथ की आधी इसको सर्व करके टाइम थोड़ी देर 5 मिनट पहले ही निकाल के रखा था। हमारी ऐसी हौसला अफजाई रखिए, हमें ऐसे प्यार दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ज़रूर बना के देखें इसको, ये हेल्दी भी है। ये देखिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।